ये कल का क्लास वर्क वाला क्वेश्चन है, जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने वीडियो की डिमांड की थी, तो उसका वीडियो ये है। देखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपीस है, नेट प्रॉफिट 3 ईयर्स का हमको दिया हुआ है, तीनों ईयर्स में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, नो लॉस एट ऑल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 11%। रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय कहा है क्वेश्चन ने, 2500 कहा है पर मंथ, तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया क्योंकि 12 मंथ का है, तो 30,000 आया, और टू एम्प्लॉयज हैं इसलिए ये पूरा 60,000 हो गया। 30,000 मल्टीप्लाई बाय टू 60,000, ठीक है, ये 60,000 हर साल के प्रॉफिट में से माइनस होगा। हर साल के प्रॉफिट में से आपको 60,000 रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय माइनस करना है, या फिर हम उसको शॉर्टकट ले सकते हैं, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और उसमें से एक ही बार 60,000 माइनस कर दीजिए, तो भी बात एक ही होगी। तीनों साल आप 60,000 60,000 60,000 माइनस करिए, या तीनों साल का एवरेज निकाल लीजिए उसमें से एक बार ही 60,000 माइनस कर दीजिए, वो एक ही चीज़ हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, दैट इज द एसेट्स जो कि दिया हुआ है 11 लाख, और लाइबिलिटीज दी हुई है 1 लाख। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जरूरत पड़ती है हमको कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है। तो 11 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 10 लाख जो कि हमारा कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय जो कि 10 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही बताने के लिए दे दिया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको। एक्चुअली ये होता है कैपिटल निकालने के लिए, लेकिन कैपिटल ऑलरेडी क्वेश्चन ने हमें पहले से ही दे रखा है, तो ये लाइन का कोई उसमें वैल्यू नहीं है। सो लेट अस गो वन बाय वन। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कैलकुलेट एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर हमें मिल गया, कितना मिल गया? 3, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये तीनों प्रॉफिट हम तीनों चीज़ें हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में ऐड करती हूँ, जैसे 16 + 14 + 27, तीनों में तीन तीन जीरो लगा लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 57 लाख, है ना, 5,70,000 डिवाइडेड बाय 3, हाँ गुड। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,90,000, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट 1,90,000 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमको इसमें से 60,000 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 60,000 रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये आ गया 1,30,000, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 1,30,000। इसको इस फॉर्मूला में रखो तो गुडविल निकल आएगा, तो ये आपका आ गया गुडविल इज इक्वल टू 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना है 3, हमने कर दिया 3, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये हो गया 3,90,000, डन, ठीक है। लेट अस गो फॉर द सेकेंड। सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है कैलकुलेट गुडविल एट द 3 ईयर परचेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना। तो गुडविल का फिर से फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में फिर से दे रहा है, 3 ईयर है। अब हमको क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी पहले ही निकल चुका है। कहाँ निकला है एवरेज प्रॉफिट? ये हम लोगों ने यहाँ निकाला है 1,30,000, है ना, एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ है। हमको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैपिटल? हम लोग यहाँ चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपीज, देखो है ना। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो ये इसका आंसर आएगा 1,10,000। अब फिर हम लोग आगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आया था 1,30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,10,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 20,000, डन। गुडविल कैसे निकलेगा?
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 दिया हुआ है, तो ये आपका गुडविल निकल गया 60,000। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर टू। ठीक है, अब पॉइंट नंबर थ्री क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर थ्री कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डन। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपका? अभी यहाँ पे कितना निकला था सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट है 20,000। 60,000 नहीं लेना बेटा, 60,000 गुडविल है। कुछ बच्चों ने कल 60,000 ले लिया, 60,000 इज द गुडविल बाय द विद सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 20,000। तो हम सुपर प्रॉफिट ले रहे हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,81,880। हमको इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी ना, क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने में हम पहले भी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर चुके हैं, ये हमने अपने प्रीवियस उसमें वीडियो में बता दिया था। फोर्थ कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें मिला था, कितना मिला था एवरेज प्रॉफिट हमारा? आया था 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय अगेन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 11, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11,81818 आ गया, बट ये गुडविल नहीं है, है ना। हमने पहले भी पढ़ा है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट जो आता है वो इक्वल टू गुडविल होता है। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट में जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू गुडविल होता है, लेकिन एवरेज कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू गुडविल नहीं होता, इसको माइनस करना पड़ता है। किससे माइनस करना पड़ता है? कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आपने ये निकाल लिया 11,81,818, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में पहले से ही दिया है, वो कितना दिया हुआ है? इट्स 10,00,000। सो हाउ मच इज द गुडविल? सो गुडविल इज आई थिंक सो इसमें से चला गया 1,81,818। हाँ, ये आपका आ गया गुडविल। ठीक है, जब हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तभी हमको ये माइनस करना पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आंसर आता है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट उसी को गुडविल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट को ही गुडविल ट्रीट किया जाता है, लेकिन कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट को गुडविल ट्रीट नहीं किया जाता। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ता है। क्यों माइनस करना पड़ता है? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट निकालने में कहीं भी यूज नहीं हुआ। यहाँ क्यों नहीं माइनस कर दिए? क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार यूज कर देते हैं सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार यूज हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक।